बनाए रखिए, क्योंकि आज हम अयोध्या में हैं। कभी अयोध्या आध्यात्मिक नगर था, आज अयोध्या राजनीतिक नगर है। अयोध्या में राम से ज्यादा राम के मंदिर की चर्चा होती है। यहाँ पर राजनीति भगवान श्री राम से शुरू होकर भगवान श्री राम पर ही खत्म हो जाती है। अच्छे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, विद्यालय, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब अयोध्या के लिए नहीं। क्यों नेताजी, सही कहा ना जी? अच्छा, सबसे पहला सवाल सत्ता से। अयोध्या को सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा विपक्षी आरोप लगाते हैं। ऐसा है जो है, विपक्षियों का आरोप सरासर गलत है। हमने देश में काम किया है, हमने देश को जल, थल और नभ तीनों जगह स्थापित किया। अभी तो हमने आपसे सवाल सबसे पहले ही पूछ लिया कि अयोध्या के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब अयोध्या के लिए नहीं क्या? तो आपने कह दिया हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने ऐसा कुछ बताइए। ऐसा ही इनका शब्द था। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय जो कह रहे हैं, इनकी राजनीति सिर्फ राम मंदिर से ही शुरू होती है, राम मंदिर से खत्म होती है। 5 साल के अंदर इन्होंने देश के अंदर कितनी IIT कॉलेज खोले, कितनी इन्होंने यूनिवर्सिटियां खोली, कितना किसानों के लिए इन्होंने काम किया, कितना मनरेगा मजदूरों के लिए योजना। अयोध्या की समस्या, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो वोटन के दासा, नरेंद्र मोदी अयोध्या आए। लेकिन राम लला के मंदिर से 22 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ रैली करके वोट की अपील करके चले गए, राम लला के दर्शन करने क्यों नहीं आए? देखिए, हमारे नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी सही नियत और सही विकास है। हम किसी सांप्रदायिकता को फैला करके वोट नहीं बटोर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2014 में राम के नाम पर वोट लेकर गए और राम लला मंदिर तक नहीं गए हैं। ये इनका प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी ने कई तंज कसे कि प्रियंका गांधी राम मंदिर आई, लोगों को याद दिलाया कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे राम मंदिर के, लेकिन दर्शन करने नहीं गई। अब तो नरेंद्र मोदी जो वोट अपील करके गए, बीजेपी जिसके घोषणा पत्र में है कि राम मंदिर बनवाएंगे, अब तो संघ के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ विपक्षी भी आरोप लगाने लगे है कि मंदिर वही बनाएंगे, तो तारीख कब बताएंगे? देखिए, जब भी राम अवतार लेते हैं तो तारीख नहीं बताते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहिं रघुनाथ सेवा, जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करहिं राम कल कीरत गाना। जब भी राम आए हैं, पहले जो है जब दूल्हा जाता है ना, तो दूल्हा के पहले वहाँ तम्बू, समियाना, टेंट, बाजार। देखिए, राम अवतार ले चुके हैं। इन्होंने एक जुमला गढ़ा था, वो आज सच हो गया है कि मोदी जी ने जुमला किया था। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, संतों का अपमान है, अयोध्या की जनता का अपमान है कि चंद कदमों पर मोदी जी आए। हम सभी स्वागत करते हैं कि वो अयोध्या में आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दर्शन नहीं करेंगे। क्या संत समाज क्या कहता है, ये पूछते हैं। संत समाज का क्या कहना है, जिसने लगातार बीजेपी सरकार पर ये दबाव बनाया रखा कि मंदिर बन जाना चाहिए। अब तो VHP ने भी कह दिया, संघ ने भी कह दिया कि 2019 के लिए मंदिर बनना जरूरी है। जुमला बिल्कुल बनना चाहिए मंदिर, लेकिन मोदी ने सिर्फ संतों को तकलीफ दिया, संतों को गुमराह किया, हिंदुओं को गुमराह किया, और लाठी संतों पर लाठी चार्ज करा है मोदी सरकार ने, जो उसको जेल में डाल दिया। जिसने कांग्रेस का पक्ष जानते हैं। प्रियंका गांधी ने याद दिलाया लोगों को कि ताले राजीव गांधी ने खुलवाए थे मंदिर के, तो प्रियंका गांधी दर्शन करने क्यों नहीं गई रामलला के? क्या रामलला को सिर्फ मुद्दे में ही रखना है, मन में भी रख लीजिए? ऐसा है कि कांग्रेस का कभी रामलला के नाम पर वोट कांग्रेस ने नहीं मांगा है। कांग्रेस ने हमेशा उसका अपना दृष्टिकोण रहा है कि न्यायालय का फैसला या आपसी सहमति के आधार पर मंदिर का निर्माण होगा। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि अन्य पार्टियां मंदिर बनाने में रोड़ा अटका रही है। न्यायालय का हमेशा कांग्रेस ने सम्मान किया है, कांग्रेस संविधान को मानती है, इस देश के जो संविधान है। कुछ कहना चाहती है, कांग्रेस और भाजपा लगातार मंदिर में विरोध किया है, और कांग्रेस और भाजपा मिली जुली कपिल सिब्बल की वजह से मंदिर के कांग्रेस की वजह से रोड़ा लगा है। ये अयोध्या की जनता है, युवा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जेब में पर्चा रखे। ये कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में लोग काम कर रहे हैं। हम हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर विरोध है, दोनों का विरोध है मेरा। आज ये बता दूं, मंदिर अगर बीजेपी चाहते तो बन जाती ना। बीजेपी अब तो संघ कहने लगा कि 2019 चुनाव के लिए मंदिर बनना जरूरी है। मैडम, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वक्त की कमी है। हाँ, लोगों ने कहा पहले मंदिर फिर सरकार, इन्होंने नारा दिया, और मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, सरकार बनाने के लिए चल दिए हैं। इनका नारा यही था, यही जमावड़ा लगाए थे, लाखों लोगों को बटोरे हुए। पहले तो आपका वादा पहले मंदिर फिर सरकार,
और जब सरकार बन गई तो मंदिर की बात भूल गए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या राह देखने लगे। हमने पहले आपसे बताया कि अयोध्या का संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है, उसके बाद राम जी का भव्य मंदिर बनेगा। घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाने के रास्ते ढूंढने था या नहीं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बीजेपी ही राम मंदिर बनवाएगी, हाँ या ना? केवल केवल बीजेपी बनवाएगी, बनवाएंगे मंदिर बनवाएंगे। विपक्ष बार बार आरोप लगाती है कि बीजेपी राम मंदिर पर सिर्फ राजनीति चमका रही है। विपक्ष का नियत सही नहीं है। कांग्रेस मंदिर क्यों नहीं बनवा देते? अध्यादेश क्यों नहीं लाते? राम सेतु अध्यादेश क्यों नहीं लाते? बीजेपी के सारे एमपी सारे एमएलए हर बार विपक्ष आरोप लगाती है कि बीजेपी अध्यादेश क्यों नहीं लाती। हम अध्यादेश भी लाएंगे, मंदिर भी बनवाएंगे, कांग्रेस के लोग। मैडम ये जुमला है, ये अपने किसी मुद्दे पर सिर्फ ये दो सीट पे आप रुकने वाले, कहाँ से अध्यादेश ला पाएंगे, कहाँ मंदिर बनवा पाएंगे? जी तो बोल रहे हैं मंदिर हम ही बनवाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी। ये सिर्फ राम के नाम पर वोट लेना जानते हैं, मंदिर कुछ नहीं कर पाएंगे। नेताजी ने तो कह दिया कि राम मंदिर बीजेपी ही बनवाएगी, लेकिन बीजेपी सुप्रीम कोर्ट बिचारा देगा मामला, ये सुप्रीम कोर्ट बनवाएगा, ये मोदी नहीं बनवा पाएंगे। अयोध्या की जनता के दिल में क्या है? अयोध्या की जनता क्या चाहती है? देखिए अयोध्या की जनता सिर्फ विकास चाहती है। अयोध्या को जात पात से कोई लेना देना नहीं है, अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। जनता क्या बोलेगी राम मंदिर पर? अयोध्या की जनता के मन में क्या है? क्या विकास हुआ अयोध्या की जनता का? जी अयोध्या की जनता का विकास हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज विकास कार्य गिनवा दीजिए अयोध्या में जितने विकास हो। हम बिल्कुल गिना रहे हैं, अयोध्या स्टेशन बहुत पुराना था, बहुत गंदा था, ये उनका बन रहा है। सड़कें साफ हो रही हैं, बन रहा है, हो रही है, मरम्मत कराया जा रहा है, कोई नए तरीके की व्यवस्था नहीं है। और गठबंधन से सवाल कर लेते हैं, गठबंधन से जो पार्टियां एक दौर में ये नारे लगाया करती थी कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उनकी क्या स्थिति रहेगी? आनंद सेन यादव प्रत्याशी है यहाँ से गठबंधन के, क्या कर पाएंगे? आनंद सेन जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी प्रवीर भाई तोगड़िया ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया था, उनका खाना तक भगवा दिया गया। यदि हिंदी ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर के पक्षधर है तो क्यों नहीं प्रवीर भाई तोगड़िया को प्रमोट करके उनको अपना काम करने दिया? वो मात्र आज लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी सरकार है, अगर बीजेपी हिंदूवादी सरकार है तो माननीय हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी क्या है? क्यों राम मंदिर के पक्षकार श्री कमलेश तिवारी जी हैं, राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। संत समाज बीजेपी से क्या आशाएं रखता है राम मंदिर को लेकर के, जल्दी बताइएगा। अब बीजेपी से कोई आशा नहीं है, बीजेपी ने जुमले की बात की, बीजेपी से हमें कोई भरोसा नहीं। बताइए बीजेपी पर भरोसा नहीं, बीजेपी ने जुमले की बात की, ये संत समाज खुद बोल रहा है। ये संत समाज के प्रतिनिधि नहीं है, सवाल जहाँ तक है संत समाज की बात है। संत समाज हमारे आपको प्रतिनिधि नहीं मानते, आपको प्रतिनिधि नहीं मानते संत समाज का। मुझे मंदिर चाहिए, हमें अबे इनको तो संत समाज का प्रतिनिधि नहीं मानते। आप तो हमको नजर आ रहे हैं, आप तो प्रतिनिधि होंगे, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पिछले बार सन 2014 में बीजेपी को सिर्फ मंदिर के लिए अधिकार दिया गया था और उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया है, इसलिए हम सभी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। चलिए संत समाज क्या कहेगा हिंदू समाज पार्टी से? इतना विश्वास है बीजेपी पर जबकि योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि मंदिर हम ही बनवाएंगे। अगर बीजेपी से उम्मीद होती तो आदरणीय कमलेश तिवारी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अयोध्या ही नहीं, मथुरा काशी हरिद्वार कहीं भी लोकसभा क्षेत्रों में जहां धार्मिक नगरी आती है वहां एक संत की का होना आवश्यक है। अगर एक कोई संत होता धार्मिक नगरी का तो मानने से इनकार कर दिया। पीछे दिखा दीजिए कैमरा, वो संत समाज के व्यक्ति खड़े हैं, वो उनको बोल दिया इन्होंने कि वो तो यहां के मेंबर ही नहीं है संत समाज के। इनका तो आज 5 साल से यही चल रहा है। अगर देश की बात करो तो आप देशद्रोही हो, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करो, अगर सच्चाई की बात करो तो आप देशद्रोही हो, कांग्रेस भक्त हो। इनका तो बस यही है कि एक मशीन है और उस मशीन के अंदर से जो जाएगा वो साफ हो जाएगा, बाकी सब कचरे। तो अयोध्या की जनता के मन में क्या है? लल्लू सिंह सांसद यहाँ से, उन्होंने कितना विकास कराया, जनता क्या सोचती? विकास की अगर हम बात करें तो विकास की गति बहुत ही धीमी है। आज पूरे विश्व में अयोध्या एक मुद्दे के रूप में है और आज अयोध्या हाशिए के रूप में भी है। यहाँ की चीजों
पर ही राजनीति होती रही है। यही कारण है कि मजहबी एक आग में यहाँ की सारे विकास भुन गए हैं। मैं कवित्री हूँ इसलिए अपनी बात रखना चाहूँगी कि यहाँ तो दाग को बेदाग करना पड़ता है, यहाँ तो दाग को बेदाग करना पड़ता है, हंस को भी यहाँ पर काक करना पड़ता है। और ये सियासत का खेल यूं नहीं होता यारों, ये सियासत का खेल यूं नहीं होता यारों, धर्म जज्बात यहाँ आग करना पड़ता है। यहाँ पर लल्लू सिंह सांसद कितना विकास करवा पाए हैं? देखिए अभी तक जो भी विकास दिखाई दे रहा है ये लल्लू सिंह का प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी प्रयास है। बाकी 60 सालों में न कांग्रेस कुछ कर पाई न मुलायम सिंह ने कुछ कर पाया। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी कांग्रेस, भरत कुंड का सौंदर्यकरण कांग्रेस, रेलवे स्टेशन कांग्रेस। लल्लू सिंह सांसद ने कितना विकास करवाया? विकास देखना हो तो गलियों में जाइए, अंधे लूले लंगड़े विकास पैदा हो रहे हैं, कहीं गड्ढे मिलेंगे कहीं ऊबड़ खाबड़ रोड मिलेगी। और तो और दीप उत्सव के बाद गलियों में अंधेरा छाया, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। आप गलियों में जाके देखिए, आपको जनता बताएगी कब से अंधेरा है। ये जनता से जवाब, ये सांसद पैर हिला के पान खाने वाले हैं खाली, और कुछ काम के नहीं है। तो क्या लग रहा है निर्मल खत्री, आनंद सेन यादव किसको इस बार जिताएंगे? लल्लू सिंह पर कितना विश्वास करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी सांसद? माननीय कमलेश तिवारी अगर आते हैं तो राम मंदिर ही नहीं अयोध्या का नक्शा भी चेंज होगा और देश का नक्शा भी चेंज होगा, क्योंकि हिंदूवादी अगर नहीं है। सांसद लल्लू सिंह ने कितना काम करवाया? लल्लू सिंह ने बहुत सारा काम किया है। इस साल जो सांसद बने हैं इसी साल सारा काम चालू हुआ जब से मोदी जी आए हैं, विकास के पथ अब शुरुआत हुई है। बीजेपी का वादा गड्ढे मुक्त सड़कों के, क्या अयोध्या की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? इस समय प्रेजेंट टाइम में कहीं गड्ढा नहीं है, कहीं गड्ढा। वीडियो चला के अयोध्या में देखिए इतने गड्ढे। बीजेपी सरकार छात्रों की बात नहीं करती है, छात्रों पर लाठीचार्ज कराता है और महिलाओं मजदूरों पर लाठीचार्ज। क्या अयोध्या की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? न्याय अब की होगा न्याय 72,000 के लिए? अयोध्या की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई की नहीं हुई? मैम कांग्रेस के यहाँ पे जो खड़े हैं उनसे हमारा एक क्वेश्चन है, कांग्रेस सरकार ने क्या किया है और ये गठबंधन वाले इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुलायम ने अखिलेश जी ने क्या किया है आपको बताता हूँ। ये जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। मैडम कांग्रेस ने बहुत 30 सेकंड का वक्त है, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। निर्मल जी ने सब कुछ किया है, आप चाहे गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड से लेकर नया घाट देख लीजिए, सब कुछ किया है। राम मतलब राजनीति और राजनीति मतलब चुनाव जो अभी मुहाने पर है। माहौल जब राम मंदिर का उठता है तो माहौल अपने आप गर्म हो जाता है, थोड़ा शांत करते हैं। बड़ी मशहूर कवित्री हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर राम के नाम पर हर व्यक्ति राजनीति कर रहा है, लेकिन बीजेपी पर क्या कहेंगे जो वादे लेकर के आया राम मंदिर बनवाने का? देखिए बीजेपी पे तो नहीं कहूँगी, हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में ज़रूर दो पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूँगी। सिंह गर्जना सुन भारत की हर शत्रु आज थर्राया है। सिंह गर्जना सुन भारत की हर शत्रु आज थर्राया है। 60 वर्ष का छठा अंधेरा जन जन का मन हर्षाया है। 60 वर्ष का छठा अंधेरा हर घर जन जन का मन हर्षाया है। जल्दी हर तरीके से विकास हो रहा है और विकास आगे होगा। और रही राम मंदिर की बात तो राम मंदिर बनेगा। अयोध्या की जनता के मन में क्या है, अयोध्या की जनता क्या चाहती है? अयोध्या की जनता आज की डेट में राम मंदिर और मस्जिद में नहीं फंसी है, इसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को करना होगा वो करेगी। लेकिन आज के यहाँ पे हमारे सिटीजन को केवल इस पे देखना चाहिए कि कौन सी सरकार डेवलपमेंट कर सकती है, कौन सी सरकार है जो एजुकेशन फैसिलिटी। बीजेपी का वादा सबका साथ सबका विकास, ये है सबका साथ सबका सशक्त सरकार हम लेके आए जो इन मुद्दों पे काम करे। अयोध्या की जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या है, कितना विकास हुआ यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? तो व्यंगकार है, दो पंक्तियों में अपनी बात व्यंगात्मक रखता हूँ कि रामलला के सगे हितैषी पहुँचे संसद हाल में। रामलला के सगे हितैषी पहुँचे संसद हाल में, राम बेचारे दिन काटा थे कोनो विधि तिरपाल में।
राम बिचारे दिन काटा थे कोनो विधि त्रिपाल में, ये विकास हुआ इस तरह का। बताइए, श्री राम त्रिपाल के नीचे बैठे हैं और नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ पर राम मंदिर हम ही बनवाएंगे, और बनवाएंगे कब, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब हम ही बनवाएंगे। ऐसा नहीं है, हमने जो है अयोध्या को संवारना शुरू कर दिया, सजाना शुरू कर दिया, अब केवल मंदिर रह गया है, और मंदिर इसी 2019 में ही मंदिर का नींव रखा जाएगा। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, अयोध्या में कितने लोगों को रोजगार मिला? अयोध्या में कोई बेरोजगार नहीं है, अयोध्या में हनुमान जी कृपा से बहुत बड़ी रोजगार है। अच्छा, नेताजी ने तो कह दिया कि अयोध्या में कोई बेरोजगार नहीं है, अब जनता क्या कहती है अयोध्या में कितने लोगों को रोजगार मिला? जो विकास हुआ है यहाँ पर, जो विकास हुआ है, चाहे फैजाबाद से दिल्ली, फैजाबाद से अहमदाबाद, फैजाबाद से बनारस, जितनी भी ट्रेनें चली हैं, डॉक्टर नमक खत्री ने करा है। जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे, यहाँ पर विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, कितने लोगों को रोजगार मिला है अयोध्या? मैडम रोजगार नहीं, मैम रोजगार बहुत मिला, रोजगार नहीं मैडम। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते हैं मंदिर कब बनेगा, इनसे कहिए कि जैसे उन्होंने लगाया था एफिडेविट कि राम काल्पनिक है, उसी तरह जिस दिन ये एफिडेविट लगा देंगे कि आप राम मंदिर का निर्माण करिए, उस दिन राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। चाहे लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार? भाजपा आने के पहले सब लोग डीएम बनकर नहीं बैठे? बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, कितने लोगों को रोजगार मिला अयोध्या? मेरे हिसाब से इतने बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, जिनको इतनी ज्यादा उम्मीद थी, एक भी काम सही तरीके से नहीं हुआ, ना ही मंदिर सही टाइम पे बन रहा है, मतलब इतना गुमराह लोगों को किया जा रहा है, ना मंदिर टाइम पे बना है, ना किसी को रोजगार मिला है, जितनी उम्मीदें लेके आप लोग। नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि जो लोग हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, तो अयोध्या की जनता हवाई जहाज की सफर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? मेरे हिसाब से, मैं बेंगलोर से, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरा मिडिल क्लास का हूँ, मैं करके आया हूँ फ्लाइट से, मैं बेंगलोर से अयोध्या आया हूँ। तो आप जूता है, नरेंद्र मोदी जी ने तो चप्पल पहनने वालों की बात की, कीमत 350 जूते की, चप्पल बोल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी के नाम पर पूरी तरह से सरकार फेल है, रोजगार नहीं दे पाई है। चलिए, बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा उठाया जाता है, चमकता रहता है, अमर है, थोड़ा किनारे रखते हैं, रोजगार पर आते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला? मेरे हिसाब से मेरे घर में 5 सदस्य हैं, 5 ही सदस्य सभी बेरोजगार है, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। बताइए, बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, हर साल 2 करोड़ रोजगार का, विपक्ष आरोप लगाता है, जनता बार बार सवाल उठाती है कि जितने भी बीजेपी ने रोजगार के वादे किए उसमें विफल रही बीजेपी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने रोजगार दिया, अब रोजगार को किस रूप में अब देखते हैं? कितने लोगों को रोजगार मिला अयोध्या में? कितने लोगों को रोजगार मिला अयोध्या में? कोई बेरोजगार नहीं। हम डबल MSc किए हुए हैं औध विश्वविद्यालय से, और बेरोजगार घूमते हैं और बाहर। कितने लोगों को रोजगार मिला ये डबल MSc करे हुए खड़े? इन्होंने डबल MSc कर करके और जो है अपना प्रक्रिया नहीं पूरा किया, राजनीति करने लगा क्या? डबल MSc करके राजनीति करने लगा क्या? नहीं, राजनीति नहीं, हम डबल MSc के जहाँ जाता हूँ पढ़ाने, और 10-12 हजार रुपए मिलता है भीख के रूप में। कितने लोगों को रोजगार मिला अयोध्या में? कितने लोगों को रोजगार? सबके पास हनुमान जी के पास रोजगार है। आंकड़े बताएं, कितने लोगों को रोजगार मिला यहाँ जो है? हजारों लोग रोजगार। 2 करोड़ रोजगार था, हर साल हजारों को नौकरी मिली क्या? अरे 67 करोड़ है, ये बेरोजगार खुद है, इनके लड़के खुद है। बताइए, आपको बेरोजगार बता रहे, आपको बेरोजगार बता रहे। 67 हजार लोग जो है अध्यापक में भर्ती हुए। चलिए, 67 हजार लोग अध्यापक में भर्ती हुए, इनको ये भी नहीं पता, शिक्षा संस्थान में भर्ती हुए, अध्यापक में भर्ती हुए बोल दिया। चलिए, हाथ उठा दीजिए उन हजारों में से, यहाँ पर कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, किसको नौकरी मिली? शिक्षक किसको 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 बनाया गया? इन्होंने तो बोल दिया हजारों लोगों को मिली गई नौकरी, आपको मिली कि नहीं मिली? अरे हम तो नौकरी पहले से कर रहे हैं मैडम। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, धारा 370 हटाने का, राम मंदिर बनवाने का, सड़कें बनवा देने का, स्मार्ट सिटी बनवाने का, तो अयोध्या में कितने वादे पूरे हुए? अरे वादे तो काफी पूरे हो, कौन सी सरकार है जो इतना वादा कह के पूरा करती है? कोई भी ऐसा सरकार नहीं है, फिर भी बीजेपी तो ठीक है। अच्छा, कांग्रेस न्याय योजना लेकर के आई, तो क्या लग रहा है 2019 के चुनाव में क्या बीजेपी पर ये न्याय योजना क्या संकट साबित होगी? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। अच्छा, राम मंदिर के मुद्दा जरूरी है कि विकास जरूरी है? मुझे दोनों चाहिए, राम मंदिर सबसे बड़ा मेरे, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था है, अगर मुसलमानों के लिए उनके अल्लाह सबसे बड़े ये हैं, मस्जिद उनके लिए सबसे बड़ा ये है, तो हमारे लिए आराध्य प्रभु श्री राम क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा,
बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार से एक सवाल है छोटी सी कि हम राम मंदिर बनाओ बीजेपी वाले को कौन रोकता है। ठीक है, चलिए, बाबरी मस्जिद के पक्षकार यहाँ पर खड़े हैं, तीसरी बार मिले हमको, बड़ी बड़ी देर इनको ढूंढने में लग गई, मिल गए आखिर खार। क्या कहेंगे, इन्होंने सवाल पूछा है कि कभी आप कहते हैं मंदिर बनना चाहिए, कभी कहते हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए, दिल में क्या है आपके, साफ साफ उनको बता दें। देखिए, अयोध्या में 10,000 मंदिर है, अयोध्या में मंदिर बनाने से कोई रोकता तो है नहीं, मुसलमान मंदिर का विरोध नहीं करता, मंदिर बनाओ। आपके वालिद साहब ने जब कहा था कि मस्जिद अब हमें नहीं चाहिए, अब मंदिर चाहिए, रामलला का मैं दोषी हूँ, अब मैं रामलला का मंदिर चाहता हूँ, सुबह को वो बुलाए जाते हैं लखनऊ और शाम को आप अध्यक्ष बन जाते हैं, आप क्या बोलते हैं? अब राम मंदिर बनवाने के लिए क्या किस बात की शिकायत? मुद्दा उठा ले सुप्रीम कोर्ट से, कह दे कि मैं अपना मुद्दा उठा रहा हूँ। आप बोल दीजिए। एक मिनट, उन्होंने तो बोल दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, मुसलमान रोकता नहीं है। खाली अंगोछा पहन लेने से, टोपी लगाने से नेता नहीं बन जाता, क्योंकि तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं बनाए? हमसे सवाल करते हो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्यों? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? आज तक केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, हम लोग तो साफ कर रहे हैं। चलिए, कितने लोगों को रोजगार मिल गया, किस बात की लड़ाई, किस बात की लड़ाई कर रहे हैं आप, किस बात की लड़ाई कर रहे हैं, किस बात की लड़ाई कर रहे हैं? मैं बात की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस अगर विरोधी नहीं है तो कांग्रेस सपोर्ट करे। और मैं कहना चाहूंगा उनसे, फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर वो हटाना चाहेंगे अपना केस सुप्रीम कोर्ट से, तो हटाए, मंदिर बन गया। हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीजेपी मंदिर बनाना नहीं चाहती। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि मंदिर हम ही बनवाएंगे, मंदिर बीजेपी ही बनवाएगी। अगर इनको मंदिर बनाना होता तो ये आकर दर्शन करते रामलला के मंदिर जाते, लेकिन इनको मंदिर नहीं बनाना है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं, इनके शिवसेना के नेता है, कहते हैं उठाओ फरसा चलो मदरसा, ये कहाँ क्या नारा है हिंदू मुस्लिम में झगड़ा। चलिए, कितने लोगों को रोजगार मिला अयोध्या में, आप तो सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं, नौकरी चाकरी करते होंगे, ऐसी राजनीति में नहीं पढ़ते होंगे, क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ अयोध्या में कनक भवन दक्षिणी गेट पे वैद्य जी हैं। अच्छा वैद्य जी, ये बताएं कि अयोध्या का कितना विकास हुआ, दिल से बताइएगा सच्ची सच्ची कि राम के मुद्दे के अलावा अयोध्या के क्या मुद्दे हैं? देखिए 10 साल, थोड़ा जल्दी बताइए, गलत की कमी मजबूरी हमारी। हाँ, 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, उन्होंने क्या किया वो हमें नहीं पता है, लेकिन जब से इधर 2 साल से योगी जी हैं और 5 साल से मोदी जी हैं, तब से अयोध्या में विकास हो रहा है। जिसको विकास, जो जो सड़कें थी, जो सीवर लाइन थी, जो भी है, वो सब जिला अस्पताल की स्थिति बनी है, जिला अस्पताल की जिला रोड बनी है, जिस रोड से आप रोज जाते हैं, जिला अस्पताल की सड़कें, जिला अस्पताल की सड़कें बनी की नहीं बनी, जिला अस्पताल की सड़कें मैडम, देख लो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के अगर राहुल गांधी जिला अस्पताल की सड़कें, आप पढ़ने जाते हैं वो रोड बनने ही बनी है, कांग्रेस के कनक भवन तिराहे पे अभी ज्यादा चुप रहिए आप, अभी कनक भवन तिराहे पे जहाँ पर हनुमान, जहाँ से आप हनुमानगढ़ी से जाते हैं, अभी 1.5 महीना पहले स्टील का कूड़ादान लगाया गया था, और आप जैसे कहाँ से कैसे लोग आए हैं, उस कूड़ेदान को तोड़ के फेंक दिया गया, और हमसे ज्यादा कितनी बार आपने जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधरी कि नहीं सुधरी? व्यवस्था आपने कभी किया? ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ, मैं ना सपा का हूँ, लेकिन जो हुआ उसको स्वीकार करिए। क्या लग रहा है यहाँ पर लोग राजनीति करने आ गए, लेकिन हम विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, क्या लग रहा है यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला है, रोजगार का वादा 2 करोड़ रोजगार का, कितने लोगों को रोजगार? किसी को नहीं मिला है। चलिए, आज हम है अयोध्या में, अयोध्या की जनता से विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अयोध्या की जनता के साथ राम के मुद्दे पर राजनीति इतनी की जा चुकी है, अब अयोध्या की जनता खुद राजनीतिक हो चुकी है, विकास के मुद्दा सुनते ही दूर भाग जाती है। कल आज हम यहाँ पर राम के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर बात कर रहे थे कि विकास कितना हुआ, हम यूं गए और यूं आए। लेते एक छोटा सा विराम। चलिए, यहाँ पर बीजेपी जितने वादे लेकर कई सारे वादे
कोई वादे पूरे नहीं हुए। बीजेपी सिर्फ राम के नाम पे एक मुद्दा उठाती है और कोई काम नहीं करती। कौन जीत रहा है? लल्लू सिंह जीत रहे हैं। कौन जीत रहा? लल्लू सिंह को नहीं जीतना चाहिए। जीत रहा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो विनय कटियार जी हैं, इनका राम के नाम पर इन्होंने हमेशा मुद्दा उठाया, लेकिन इनका घर से कौन जीत रहा? गठबंधन बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस निर्मल प्रत्याशी निर्मल कांग्रेस बीजेपी या गठबंधन निर्मल खत्री। यहाँ से कौन जीत रहा है? कांग्रेस गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी यहाँ से कौन जीत रहा है? गठबंधन कांग्रेस या बीजेपी? वक्त की कमी है। यहाँ से हिंदू समाज पार्टी के जो प्रत्याशी वो जीतेंगे। चलिए आज हम थे अयोध्या में, वक्त की कमी है, लोगों ने बात राजनीतिक मुद्दे पर घुमा दी, लेकिन कोशिश हमारी विकास की रही। अयोध्या का कितना विकास हुआ यह हम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे थे। अयोध्या की सबसे बड़ी समस्या जिला अस्पताल की जो अभी तक नहीं सुधर पाई है। खैर, लोगों ने अपने दिल की बात कह दी। लोगों के दिल में रोजगार, विकास, सड़कें, शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा रामलला बसते हैं, इसलिए अयोध्या की जनता के दिल में क्या है हमको पता चल गया। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली लोकसभा में, तब तक के लिए हम हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और माहौल बनाए रखिए।